हाय फ्रेंड्स, मैं नाजिया, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं काफी सारी सब्जी एक ही साथ, यानी मिक्स सब्जी बनाएंगे। मार्केट में इस टाइम पर काफी अच्छी अच्छी सब्जियां आनी शुरू हो गई हैं, तो आप जरूर से ट्राई करें, बहुत ही मजे की लगती है ये सब्जी। चलिए तो फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले ले लीजिए आप कढ़ाई वगैरह जिसमें आपको अपनी सब्जी तैयार करनी हो, और सबसे पहले ऐड कर दीजिए ऑयल। ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसमें सबसे पहले जाएगा बारीक कटा हुआ प्याज। अच्छा जी, यहां पर पहले इसको एक बार चला देंगे और 30 से 35 सेकंड बाद इसमें हम ऐड कर देंगे लहसुन। चलें, हल्का सा सुनहरा होने तक इनको हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर देखिए इनका कलर चेंज होने लगा है, तो इस टाइम पर हम इसमें ऐड कर देंगे जीरा, और साथ में जो ये हींग है ये भी ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही हम अपने यहाँ पर सारे के सारे मसाले ऐड कर देंगे। साथ में थोड़ा सा पानी भी इसमें चला जाएगा क्योंकि मसालों को हमें यहाँ अच्छे से भूनना है। मसाले में मैंने यहाँ पिसा हुआ धनिया, मिर्च और नमक ऐड किया है, और साथ में बारीक कटा हुआ थोड़ा सा अदरक भी ऐड किया है। यहाँ पर मसाले को हमें अच्छे से भून लेना है। यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम मीडियम कर दी है। अभी ये मसाला जो है हमारा काफी अच्छे से भून चुका है। चलिए जी, मसाला तैयार हो जाने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे टमाटर और हरी मिर्च। यहाँ पर इनको हम पकाएंगे 1 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर। और जब ये टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसमें हम ऐड कर देंगे गाजर। और गाजर को हमें यहाँ गलाना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। अच्छे से इसको चलाकर कढ़ाई को कवर कर देंगे और गाजर को गला लेंगे। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम मैंने बिल्कुल कम कर दी है, स्लो फ्लेम पर ही हम गाजर को गलाएंगे। तो यहाँ पर गाजर हमारी अच्छे से पक चुकी हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं। यहाँ पर गाजर के पीस मैं ऐसे ही रखूंगी, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा मैश भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। मैं इसमें डायरेक्ट ऐड कर दूंगी सबसे पहले शिमला मिर्च, और शिमला मिर्च के साथ ही हम इसमें आलू ऐड कर देंगे, और ये साथ में ही चली जाएंगी इसमें गोभी, और गोभी के बाद ये मटर इसमें चला जाएगा। चलिए जी, गलाने के लिए ये पानी इसमें ऐड कर दिया है मैंने। अभी हम यहाँ पर अच्छे से इनको मिलाएंगे और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इनको हम पकाएंगे। स्लो फ्लेम पर जो सब्जी बनती है ना, टेस्ट अलग ही आता है। तो बिल्कुल फ्लेम कम कर दीजिए और ये सब्जी को गला लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, और गैस की फ्लेम भी बिल्कुल कम कर दी है, और जी ये कर दिया है इसको कवर। गलाने में इसको 6 से 7 मिनट लगेंगी, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर जब आप इसको गलाएंगे तो। और यहां पर जी ये सब्जी हमारी अच्छे से गल चुकी है, बिल्कुल तैयार हो गई है। ये देखिए जी कितनी जबरदस्त सब्जी बनी है। तो सब्जी यहाँ पर परफेक्ट तरीके से हमारी तैयार हो गई है, इसको फटाफट से सर्व करेंगे। आप इसको जरूर से ट्राई करें, रोटी पराठे के साथ में, पूरी कुलचे के साथ में। साथ में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मैं आपसे जल्द ही मिलूंगी एक मजेदार सी आसान सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।